Okay. So next we are going to discuss indexing, string indexing, and then slicing of strings. These are the broad topics that we are going to cover today. Apart from that, we are going to talk about a little bit about, printing of string. कैसे उसको प्रिंट करवाना है, प्रॉपर्टीज एंड सम इनबिल्ट मेथड्स ऑफ पाइथन, जो स्ट्रिंग से रिलेटेड मेथड्स हैं पाइथन के, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें. ठीक है, सो दीज आर द ब्रॉड टॉपिक्स एंड लास्टली फॉर्मेटिंग. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्ट्रिंग. स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर्स जो हम बोल देते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि इंटीजर टाइप के आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं. सिमिलरली अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट विल बी फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रिंग. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहें तो कोई एक आईडी यूज कर लें, स्पाइडर हो गया या फिर जुपिटर हो गया या पाइचाम हो गया, जिसमें भी आप प्रैक्टिस करना चाहें साइड बाय साइड, वो भी ओपन कर लें, उसमें प्रैक्टिस शुरू कर दें साइड वाइज. ओके, और अगर आप कंफर्टेबल हैं गूगल कोलैब यूज करने में, so you can open that also. It's taking some time. Otherwise, आपका अगर network ठीक चल रहा है तो आप please ये open कर सकते हैं Google Colab. कोई एक notebook open कर लें या फिर नहीं एक notebook उसमें create कर लें. Okay. Now coming back here. So string define करने के Python में basically दो तरीके हैं. या तो आप double quotes use कर सकते हैं या फिर single quotes use कर सकते हैं. For example, hello world. Okay. And if you write something like this, hi there. तो इस file को अगर आप run करेंगे, will it give output? ये strings print होके आएंगी? Yes or no? Yes, sir. That will depend upon your ID. Maybe किसी particular ID में directly यहाँ से print हो जाए. Otherwise, अगर आप इस complete file को अगर directly run करते हैं तो ये print होके नहीं आएंगे, because आपने print statement नहीं लगाया Python की understanding के लिए. तो better practice ये है ताकि आप अगर platform change भी करें तो कहीं पे आपको दिक्कत ना आए, तो print के साथ ही practice करें. Print और brackets में आप ये चीज लिख सकते हैं. और एल्स आप चाहें तो इसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं लाइन को सिलेक्ट करके. इट विल गिव यू आउटपुट लाइक दिस, हेलो वर्ल्ड. अब स्पाइडर में अगर आप यूज कर रहे हैं और लाइन को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, जो भी सिलेक्शन है बेसिकली नॉट इवन लाइन, अगर आप मल्टीपल लाइन सिलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल लाइन वहां पर प्रिंट हो जाएंगी. तो उसको करने के लिए या तो आप F9 प्रेस कर सकते हैं इन दिस आईडी स्पाइडर के अंदर, या फिर आप जो भी यूज कर रहे हैं उस पर राइट क्लिक करें. इट विल शो यू द कीवर्ड रन सिलेक्शन और करंट लाइन. ठीक है, उसको आप रन करेंगे तो ये ऐसे प्रिंट करके दे देगा. ओके, सेम काम अगर आप ये नहीं यूज कर रहे, अगर आप गूगल कोलैब में यूज कर रहे हैं साइड वाइज, सो सिंपली आपको यहाँ पे गूगल कोलैब में वो चीज लिखनी है एंड आप उसके बाद उसको सिंपली रन कर सकते हैं. रन करने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप कंट्रोल प्लस एंटर कर सकते हैं, इट विल रन एंड गिव यू द आउटपुट, बट आपका जो कर्सर है वो वहीं पे रहेगा. अगर आप चाह रहे हैं कि उससे बाहर निकल आए और नेक्स्ट लाइन पे फिर आपका नेक्स्ट सेल पे आपका ये कर्सर चला जाए, कंट्रोल चला जाए, तो शिफ्ट प्लस एंटर दबा सकते हैं. यहाँ पे शिफ्ट एंटर करते ही दिस पर्टिकुलर लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड और उसके बाद वो सेल पे चला जाएगा. ठीक है, तो जैसे भी आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं. नाउ हियर टू ऑप्शंस वर देयर, आइदर यू कैन यूज डबल कोट्स और सिंगल कोट्स. तो उसका यूज कैसे करना है, एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है. कंपाइलर दोनों सेम ही रीड करता है, चाहे आप डबल कोट्स में लिखेंगे तब भी पाइथन समझ लेगा कि वो आपका स्ट्रिंग है. अदरवाइज अगर आप इसको सिंगल कोट्स में लिखेंगे तब भी वो स्ट्रिंग की तरह ही उसको ट्रीट करेगा. डिफरेंस कहाँ आता है यूसेज का, इसके अकॉर्डिंग. सपोज करो आपके टेक्स्ट में या आपका जो स्ट्रिंग आपको प्रिंट करवाना है उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क्स हैं या फिर ये सिंगल कोट्स आ गए, तो यहाँ पे अगर मैं अब सिंगल कोट्स यूज करता इसके एंड्स पे तो क्या होगा, विल इट गिव आउटपुट? नहीं देगा सर. नो सर, इट विल गिव यू एन एरर, क्योंकि वो उसके लिए ये जो टेक्स्ट है या स्ट्रिंग पार्ट है वो सिर्फ यहां तक ही आ पाया, आई तक, राइट. तो अगर ऐसा कोई केस आपके पास आ जाता है जब आपको डबल कोट्स प्रिंट करवाने हैं तो आप सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं साइड्स में, और अगर सिंगल कोट प्रिंट करवाना है तो आप डबल कोट्स यूज कर सकते हैं साइड. तो इंटरचेंजेबली डिपेंडिंग अपॉन योर पर्टिकुलर लाइन और टेक्स्ट आप उसको चेंज करके यूज कर सकते हैं.
ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, सेम गोस हियर आल्सो। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग यू नो क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग। एक्सक्यूज मी सर, हाँ पूछिए सर, जो हमारा स्पाइडर का इंटरफेस है उसमें जो आईडी में जो हमारा आउटपुट प्रिंट प्रिंट हो रहा है वो व्हाइट कलर में प्रिंट हुआ है ना, जो हाई देयर है, या फिर जो ऊपर लाइन है हेलो वर्ल्ड प्रिंट हाई देयर, वो भी आउटपुट है? ओके, एक तो आपकी वॉइस थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग सी आई। एनीवेज, आई बिलीव यू वांट टू आस्क कि इन दोनों में से प्रिंट कौन सा हुआ है। नहीं, जो ग्रीन कलर का है वो प्रिंट नहीं है, वो हमारी कमांड्स लिख के आती हैं फिर से यहाँ पे, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे लिखी है वो यहाँ कंसोल में ये ग्रीन कलर में और इसमें डिफरेंट कलर्स में दिखा रहा है। जो प्रिंट हुआ है दैट इज यू नो शोन इन दी व्हाइट कलर। ओके सर, ओके, नेक्स्ट है स्ट्रिंग असाइन करना। सपोज अब आप चाह रहे हैं कि कोई वेरिएबल आप क्रिएट कर लें, लेट्स से आपने एक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, हाय देयर, नॉर्मल कुछ भी आपने स्ट्रिंग उसमें लिख लिया। ओके, तो आपने हाय देयर यहाँ पे लिख लिया और एक्स के अंदर वो सेव करवा लिया। अगर आप इसको लाइन एग्जीक्यूट करेंगे या सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, फंक्शन F9 दबा सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, तो देखिए एग्जीक्यूट होने के बाद हमें कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं मिला। अगेन आई विल रिपीट दैट सेंटेंस कि आप हैबिट बना लें ये प्रिंट को यूज करने का। जब भी आपको कोई चीज प्रिंट करवानी है, डिस्प्ले करवानी है अपने कंसोल में, हालांकि ये चीज रन हो गई, सेव भी हो गई, एक्स के अंदर हाई देयर स्टोर हो गया, ये स्ट्रिंग क्रिएट हो गई है एक्स नाम के वेरिएबल में, बट उसको अगर प्रिंट करवाना है पढ़ रहा हूँ ना मैं, हर्ष माइक ऑफ कर ले। हाँ मैं नहीं करती हूँ। हर्ष आपका माइक ऑन था, डिस्टरबेंस आ रहा था, तो आई हैव म्यूटेड यू। अगर आपको कुछ पूछना हो तो फिर से एक बार अनम्यूट करके पूछ लेना। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक, आपने ये एक्स नाम का एक स्ट्रिंग क्रिएट किया और उसको सपोज प्रिंट करवाना है आपको, तो फंक्शन F9, अब देखिए व्हाइट कलर में यहाँ पे आपको इसका ये प्रिंट होके दिख रहा है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसका। अगर टाइप आपको चेक करना है, अगेन आमतौर पे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे टाइप चेक करना है तो मैं सिंपली ये लिख लूँ टाइप एक्स, बट नहीं, हमें वो टाइप देखना भी है अपने कंसोल में आउटपुट में, तो हमेशा एक हैबिट बनाना प्रिंट भी साथ में लिखना है वहाँ पे कि हमें टाइप ऑफ एक्स चेक करना है और वो डिस्प्ले करवाना है फिर, ठीक है। तो ये आ गया स्ट्रिंग क्लास यहाँ पे क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है। अभी तक का डिस्कशन ठीक है, कैसे स्ट्रिंग क्रिएट करना है, कहाँ पे हमें डबल कोट्स यूज करने हैं, कहाँ सिंगल कोट्स यूज करने हैं। अगर आपके पास कोई पंक्चुएशन मार्क्स या फिर सिंगल कोट्स या ऐसे कुछ सेंटेंस में इंक्लूडेड है तो अकॉर्डिंगली आप चेंज करके यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं या फिर डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, नेक्स्ट है, सपोज आपको न्यू लाइन प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग में, वो कैसे करवाना है। लेट्स से द टेक्स्ट रीड्स दिस लाइन हैज अ न्यू लाइन इन इट। ओके, तो मैं सिर्फ इतने को सिलेक्ट करके रन कर लेता हूँ, बार बार वो कंप्लीट प्रोग्राम रन ना करने की बजाय, अदरवाइज अगर आप चाहें तो पूरा भी रन कर सकते हैं, नो इश्यूज। जनरली एक हैबिट बन जाती है जब आप पाइथन में कोई टारगेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो मेनी टाइम्स इट विल हैपन कि आपको एक सर्टेन लाइंस ही रन करके देखनी है बार बार। सपोज आपने कुछ लॉजिक लगाया, कुछ कोडिंग करके देखी, आप चाह रहे हैं उसका आउटपुट कैसा आएगा, अगर ये आउटपुट सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, हम उस प्रोग्राम के सेकंड पार्ट पे या फिर नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। तो आप बार बार चाहेंगे कि बस सर्टेन सेट ऑफ लाइंस एग्जीक्यूट करवा के देख लें हम कि वो वर्क कर रही है या नहीं, तो एक हैबिट बन जाती है कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उतने सिलेक्शन को ही फिर रन कर लेते हैं। अदरवाइज जस्ट लाइक मैटलैब, अगर आप मैटलैब की तरह करना चाहें कि पूरे प्रोग्राम को रन करना है, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, आप इस फाइल को सेव करते चले रन करते चले यहाँ से कर सकते हैं, ऊपर आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप F5 दबा के कंप्लीट फाइल को रन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, तो इससे प्रिंट कैसे हुआ, दिस लाइन हैज अ, आगे हमने ये न्यू लाइन कैरेक्टर दिया हुआ था, न्यू लाइन कैसे प्रिंट करवाते हैं, बैकस्लैश एन से। अगर आप पाइथन में बैकस्लैश एन इंक्लूड कर लेंगे तो दिस विल यू नो टेक यू टू द नेक्स्ट लाइन, और इसके बाद एक हमने व्हाइट स्पेस यहाँ पे इंक्लूड किया था न्यू वर्ड से पहले, तो वो व्हाइट स्पेस भी प्रिंट हुआ है,
ठीक है, व्हाइट स्पेस को भी पाइथन जस्ट लाइक एनी अदर कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर ही उसको रीड करता है और उसको ऐसे ही फिर वो प्रिंट करके चलता है. ठीक है, एंड ऑल्सो ऑल ऑफ यू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस ऑल्सो ऑन माई मॉडल पेज. अगर अभी तक नहीं की है तो प्लीज वो भी मार्क कर दें. ऑलराइट, इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? मे बी इन फ्यूचर आपको कहीं पे रिक्वायरमेंट हो कि बीच में आपको लाइंस एंटर करवानी है, मतलब स्पेस देके या ब्लैंक लाइंस देके आप कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप न्यू लाइन कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, प्रिंट बैक स्लैश एन. ओके, दिस लाइन एंड से, लेट्स से अभी ऐसे ही कुछ लिख लिया, तो उतना पार्ट सिलेक्ट करें, F9 दबा दें, तो ये प्रिंट होके हमारे पास आ गया, बीच में ब्लैंक लाइन भी प्रिंट हो गई. ओके, और अगर हमें न्यू लाइन कैरेक्टर ही प्रिंट करवाना है तो कैसे कर सकते हैं? एनी आइडिया? ये बैक स्लैश एन हमें प्रिंट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? सर हम उसको स्ट्रिंग बना देंगे. स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे? स्ट्रिंग तो हम ऐसे ही बना रहे थे ना सिंगल कोट्स में लिख के, तो अगर मैं सिंगल कोट्स में बैक स्लैश एन लिखूंगा तो इमीडिएटली उसको यू नो नई लाइन, इसके बाहर डबल कोट लगा सकते हैं. इसके बाहर डबल कोट लगा सकते हैं, डबल कोट से भी वो ऐसे ही रीड करेगा अगर मैं सिंगल कोट्स ना यूज करूं. सर मतलब प्रिंट कर सकते हैं ये चीज? नो सर, दोनों को सेपरेटली प्रिंट, यानी जैसे स्लैश को अलग और एन को अलग. नहीं नहीं, एक्चुअली इसके लिए आप एक दो तरीके हैं हमारे पास. एक तो है स्ट्रिंग लिटरल्स, आगे जाके एक टॉपिक आएगा स्ट्रिंग लिटरल्स, तो या तो हम स्ट्रिंग लिटरल्स यूज कर सकते हैं. बेसिकली अगर आप परसेंटेज वाइज करना चाहें किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या हमने मैटलैब में भी यूज किया था, एक था परसेंटेज एस करके हम लिखा करते थे अगर कुछ ध्यान हो प्रिंट स्टेटमेंट में, कि उससे पता चल जाता था कि वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है वहां पे. अगर परसेंटेज डी लिखते थे इन मैटलैब तो इंटीजर वैल्यू है, परसेंटेज एफ लिखते थे तो फ्लोट वैल्यू है, राइट? उस टाइप से कुछ एक लिखते थे. तो वहीं पे एक चीज है इसमें पाइथन में, परसेंटेज आर, जो नॉर्मल परसेंटेज एस है वो हमारा स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करता है. ओके, और जो परसेंटेज आर है, आर ई पी आर, इस फंक्शन को वो यूज करता है, इनबिल्ट फंक्शन को. तो इस फंक्शन की हेल्प से हम एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी लिखा है, मतलब उसको न्यू लाइन को वो जो भी कैरेक्टर लिखे हैं एज इट इज प्रिंट करके दे देगा विद इन कोट्स. तो एक तरीका ये वो है, बट ये थोड़ा सा भी अभी के लिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमने वो चीज अभी पढ़ी नहीं है, स्ट्रिंग लिटरल से या परसेंटेज वाला यूज. तो अभी के लिए हम प्रेफर करेंगे इसको, तो आप डबल बैक स्लैश लगा दें और फिर रन करके देखें. ये देखें, दिस लाइन एंड से, तो वहां तक तो उसने नॉर्मल रन किया जैसे हो रहा था, और ये लास्ट वाली लाइन ने ये प्रिंट करके दे दिया बैक स्लैश एन. तो सिंपलेस्ट इजिएस्ट वे ये है, अगर आपको बैक स्लैश एन ऐसे ही प्रिंट करवाना था तो वहां पे एक और बैक स्लैश आप ऐड कर दो. अदरवाइज कोई भी ऐसा केस है कि हमें कोई पर्टिकुलर पंक्चुएशन मार्क्स अगर हमारे नॉर्मल वे में प्रिंट नहीं हो रहे, तो उसके लिए एक चीज है स्ट्रिंग लिटरल्स, वो आगे आएगी. ठीक है, तो उसके हेल्प से हम कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ अगर हमें कहीं पे रिक्वायर्ड है ये करने के लिए तो आप इससे काम चला सकते हैं. क्लियर? समझ आ गया यहाँ तक? यस सर. यस सर. हाँ पूछिए. सर ये तो आपने बैक स्लैश एन का बताया सर, वैसे मतलब बाकी भी कीवर्ड्स होते हैं सर, अगर हम लोगों को उनको प्रिंट करना है तो फिर सर हम लोगों को इसी का यूज करना पड़ेगा सर? नहीं, में मोस्ट लाइकली आपको ऐसे दिक्कत आएगी नहीं. जिस जिसमें दिक्कत थी, जैसे हमें सिंगल कोट्स में दिक्कत आ सकती थी तो उसके लिए मैंने बता दिया आप डबल कोट्स वहां पे यूज कर सकते हैं. आपके जो नॉर्मल पंक्चुएशन मार्क्स हैं कि कहीं पे हमें डॉलर साइन लगाना है या फिर कहीं पे हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, तो वो सब आपके नॉर्मल वे में प्रिंट हो जाएंगे, उनमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग था बैक स्लैश एन का. एक ब्लैंक स्पेस या नेक्स्ट लाइन इसका मीनिंग रहता है, आप मान के चल सकते हैं. तो वो उस वजह से दिक्कत आ रही थी यहाँ पे.
ऐसा कोई और केस अगर ऐसा आएगा आपके पास कि उसका कुछ मीनिंग हो पाइथन के लिए, कोई और भी मीनिंग है और हमें वो एज इट इज प्रिंट करवाना है, तो उसी के लिए मैंने आपको कहा कि एक चीज है आगे चल के आप पढ़ेंगे, परसेंटेज आर, या तो आप परसेंटेज आर का यूज कर सकते हैं परसेंटेज एस की बजाय, या फिर एक है स्ट्रिंग लिटरल्स, वो भी अभी हमने कवर नहीं किया ना, तो इसलिए मैं वो अभी डिस्कस नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी है वे आउट। ओके ओके सर, यस। तो नेक्स्ट है, लेट्स सपोज हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है। लेंथ क्यों पता करनी है? क्योंकि स्लाइसिंग जब हम करेंगे तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है, एक ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्लाइसिंग है कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस है आपके पास, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है लंबी सी, उसमें से हम कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, स्लाइस आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग। तो जैसे ये लाइन थी, एक काम करते हैं, एक नई एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, कोई थोड़ा सा लेंथ देते हैं। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिंग बना ली x के अंदर, x नाम के वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग हमने सेव करवा ली। ओके, इसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं ऐसे, तो इसको सिलेक्ट करके फंक्शन f9, दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैब, ये प्रिंट होके हमारे पास आ गया। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसमें से कुछ पोर्शन हमें सपोज एक्सट्रैक्ट करना है, मे बी आपको प्रोग्रामिंग वर्ड इसमें से उठाना है, अलग निकालना है, या फिर आप चाह रहे हैं कि यहां से लेके प्रिंट होना शुरू हो, पाइथन प्रोग्रामिंग लैब स्टार्टिंग का ना आए, दिस इज ना आए, तो उस चीज को बोलते हैं स्लाइसिंग। कि बेसिकली आपने उस स्ट्रिंग को कट कर लिया, स्लाइस कर लिया, और उसमें से कुछ पर्टिकुलर पोर्शन आपने वहां पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग अगर हमें करना है तो उसके क्या तरीके हैं, कैसे उसको हम कर सकते हैं, तो एक वो चीज है। बिफोर दैट वी शुड बी अवेयर अबाउट इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग में हमें इंडेक्स मेंशन करने पड़ेंगे कि किस इंडेक्स से लेके कहाँ तक करना है। इंडेक्सिंग मीन्स कि पोजिशन बेसिकली, सपोज हम अगर इसी स्ट्रिंग को ले लें, ये जो हमने प्रिंट करवाई है कंसोल में, दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैब। तो फर्स्ट एक चीज है कि हमें इसकी टोटल लेंथ सपोज कहीं पे पता होनी चाहिए, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर दैट द फंक्शन इज अगेन, आपको क्योंकि वो लेंथ डिस्प्ले करवानी है अपने आउटपुट में, तो उसके लिए आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, और इनबिल्ट फंक्शन है एक लेंथ len, वो आप यूज कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा, ये देखिए। तो जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स या कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं, वो आपका यहाँ पे प्रिंट होके आ गया हमारे पास डिस्प्ले में, 30 हैं टोटल, तो 30 यहाँ पे आ गया। इसमें ध्यान रखना कि ये ब्लैंक स्पेसेस को भी काउंट करेगा, जो व्हाइट स्पेसेस जिसको हम बोल देते हैं पाइथन में, व्हाइट स्पेसेस को भी एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट करता है, उनको भी वो काउंट करेगा। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द लेंथ, और इसको यूज कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, अभी देखते हैं। वैसे आप मैटलैब में ऑलरेडी फेमिलियर हो इस चीज से, मैटलैब में भी हम अगर सपोज करो आपके पास वन डायमेंशनल वेक्टर था या एरे था, तो वहां पे आप सपोज एक्स नाम का था, इस तरीके से वहां पे उसके पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करते थे। ध्यान आ रहा है ऐसा कुछ, एक्स नाम का सपोज कोई आपके पास सिंगल डायमेंशनल वेक्टर है, तो उसकी थर्ड एंट्री अगर हमें उठानी है तो एक्स ऑफ स्क्वेयर ब्रैकेट 3 ऐसे लिखते थे वहां पे। तो सेम चीज है हमारे पास यहाँ भी, और इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। यस सर, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। तो स्ट्रिंग की अगर इंडेक्सिंग करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, अगेन लेट्स से आई वांट टू डिस्प्ले टू माय आउटपुट, तो उसके लिए आप प्रिंट एक्स, प्रिंट में हमारे नॉर्मल पैरेंथेसिस आएंगे या स्मॉल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम, और जब भी आपको इंडेक्सिंग करनी है वहां पे वेरिएबल के नाम के बाद स्क्वेयर ब्रैकेट्स आएंगे। एक डिफरेंस है पाइथन और मैटलैब में यहाँ पे इंडेक्सिंग के केस में। इंडेक्सिंग पाइथन में इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, इंडेक्सिंग इन पाइथन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ये ध्यान रखना, इसको भूलना मत। मैटलैब में हमारा डिफरेंट था, मैटलैब में वन से स्टार्ट, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होती है। उसका मीनिंग क्या है इंडेक्सिंग का, बेसिकली दिस, सपोज आपके पास ये स्ट्रिंग थी, मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है तो ये आउटपुट आपके पास आया है।
तो ये अगर कंप्लीट स्ट्रिंग थी, उसकी जीरोथ एंट्री क्या डिनोट करती है? ये कैपिटल टी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है, फर्स्ट लेटर है उसका, ठीक है। तो हमने उसका जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो प्रिंट करवा ली यहाँ पे, ओके। सिमिलरली लेट्स से किसी और इंडेक्स की वैल्यू हम इसमें देखना चाह रहे हैं, इंडेक्स 6, ओके। तो इससे डिफरेंस क्या आएगा, दिक्कत थोड़ी सी है स्टार्टिंग में, अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हैबिचुअल हैं और पाइथन पे स्विच कर रहे हैं, तो पाइथन में ये चीज बड़े ध्यान से नोट करके रख लो कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अब 6 नंबर पे अदरवाइज कोई और लेटर होगा, बट यहाँ पे क्या आएगा, 0 पे ये था कैपिटल टी, 1 पे एच, 2 पे आई, 3 पे एस, 4 पे ब्लैंक स्पेस, 5 पे आई एंड 6 पे एस। तो ये 6 पे एस प्रिंट हो गया, ठीक है। अदरवाइज अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली एक लेटर आपका आगे या पीछे हो जाएगा, तो इस चीज को बड़े ध्यान से आपको। सर बट सर माइनस 1 से स्टार्ट होती है ना सर, पीछे की साइड से अगर हम लोग देखें सर। हाँ, उस पे भी अभी आएंगे, रिवर्स जो इंडेक्सिंग हम करते हैं, पहले फॉरवर्ड एक बार डिस्कस कर लें फिर रिवर्स पे भी आते। नाउ लेट्स से यू वांट टू डू स्ट्रिंग स्लाइसिंग, तो वो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज मुझे लेटर नंबर 1 से स्टार्ट करना है और 7 तक जाना है, ठीक है। तो क्या आपका प्रिंट होना चाहिए इस केस में, बताइए इस सेंटेंस को देख के। स्ट्रिंग तो आपका सेम वही है, दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैब, तो क्या प्रिंट होगा? एच से लेके एस तक चलेगा, एच से लेके एस, इस वाले एस तक सर। इस वाले एस तक, बिल्कुल ठीक बताया आपने। सो बेसिकली जब भी आप ये इंडेक्सिंग ऐसे कुछ कोलन का यूज करके अगर आप लिखेंगे कि स्टार्टिंग पोजीशन आपने मेंशन कर दी, तो जहां पे भी आपने मेंशन की है 1, तो 0 को छोड़ दो, 1 से स्टार्ट होगा, यानी एच से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जाएगा कहां तक, एंड कहां तक होगा, जो लास्ट आपने ये मेंशन किया है इंडेक्स पोजीशन 7, तो 7 को इंक्लूड नहीं करेगा। इसको हम पाइथन में ऐसे रीड करते हैं, इट विल गो अप टू दिस पोजीशन बट नॉट इंक्लूडिंग दिस, अप टू दिस बट नॉट इंक्लूडिंग दिस। तो 7 तक नहीं जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा, यानी 6 तक जाएगा। तो जो भी 6 पोजीशन पे आपका लेटर है वहां तक ये स्टेटमेंट आपको प्रिंट करके दे देगा। तो लेट्स चेक इट्स आउटपुट, ये तो ये 1 से स्टार्ट हुआ एच से, और यहां तक 6 तक जाकर वो रुक जाएगा, ओके। इज इट क्लियर? 1 से 7 लिया, yes. बेसिकली वो आखिरी वाले इसको स्पेस को इंक्लूड नहीं कर रहा, 7th पोजीशन पे ये है, तो 7 तक अगर लिखा है तो 7th पे ये था तो ये भी आना चाहिए था, बट नहीं, ऐसा नहीं है। पाइथन में एन माइनस 1 तक जाता है, तो 7 तक नहीं जाएगा, वो 6 तक जाएगा, ओके। लेट्स से यू वांट टू प्रिंट कि 1 से स्टार्ट हो और 1 के बाद एंटायर स्ट्रिंग आ जाए, तो कैसे कर सकते हैं, 1 कोलन 1 से स्टार्ट, कोई लिमिट ही नहीं देंगे तो फिर अपने आप एंड तक आएगा। हाँ, तो बेसिकली हाँ यही किया हमने, 1 किया, कोलन दिया और आगे कुछ नहीं लिखा। तो हमने स्टार्टिंग पोजीशन उसको बता दी, एंड पोजीशन कुछ नहीं बताई, डायरेक्टली अगर आपने कोलन लगा के छोड़ दिया, दैट मींस एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम दैट स्ट्रिंग, क्लियर। तो ऐसे ही अगर हमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग अगर प्रिंट करवाना हो, एक तो तरीका ये था कि हम यहाँ पे बस एक्स का नाम लिखते हैं, अदरवाइज अगर आप इंडेक्स भी यूज कर रहे हैं तो सिंपल एक कोलन अगर लगा के रख देंगे तो ये क्या करेगा, अब ये स्टेटमेंट भी आपके एंटायर स्ट्रिंग को प्रिंट करके दे देगा। दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैब, वो कंप्लीट हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो आई होप इंडेक्सिंग थोड़ा समझ आ गया होगा। अभी तक के डिस्कशन में अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। जो लोग नए हैं, कुछ लोगों को तो खैर ऑलरेडी आता होगा, नो इश्यूज इन दैट ऑल्सो, उनका रिवीजन हो जाएगा, बट जो पाइथन के लिए नए हैं तो उनको समझ आना चाहिए यहाँ पे, मैं मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा तो एक बार रोक के पूछ लीजिएगा।
ठीक है, नाउ कमिंग टू रिवर्स ऑर्डर. बैकवर्ड प्रिंटिंग ऑफ स्ट्रिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट. बैकवर्ड प्रिंटिंग ऑफ स्ट्रिंग, तो अगर हमें स्ट्रिंग को अगर बैक साइड से यानी उसके एंड से अगर एक्सेस करना है, सपोज ये स्ट्रिंग था, कंसोल में देखिए दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग. अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे देन वी इंडेक्स दिस लाइक दिस, कि ये जीरो इंडेक्स पोजिशन है कैपिटल टी, देन वन, देन टू, देन थ्री एंड सो ऑन. तो जीरो से स्टार्ट होते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन. ठीक है, अगर आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं यानी राइट से लेफ्ट की तरफ अगर मूव कर रहे हैं स्ट्रिंग में, तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है माइनस वन से. सो माइनस वन पोजिशन पे क्या है, बी लास्ट लेटर. माइनस टू पोजिशन पे क्या है, ए ये सेकेंड लास्ट लेटर. ठीक है, माइनस थ्री पे एल, लैब वाला ये एल. तो एंड सो ऑन, सो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन, जहां तक भी वो प्रिंट करवाना चाहें आप यूज कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे एक चीज रह गई थी, दैट वाज यूसेज ऑफ लेंथ फंक्शन. तो अगर आपको लेंथ फंक्शन यूज करना है, लेट्स से आपको फोर्थ लेटर से लेके लास्ट तक जाना था, तो आप वैसे भी कर सकते थे. ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैटलैब में अक्सर हम ये वाला यूज करते थे फॉर्मेट, तो उससे कोरिलेट हो पाएगा आपको. तो फोर्थ लेटर से हमने यूज किया, तो इज से स्टार्ट हो गया प्रिंट होना, सॉरी नॉट इवन इज, ब्लैंक स्पेस से. फोर्थ पे ब्लैंक स्पेस है, तो वो ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो गया और लास्ट तक कंप्लीट आपका स्ट्रिंग वहां पे प्रिंट हो जाएगा. ओके, नाउ इफ आई वॉन्ट टू एक्सेस माइनस वन, तो उसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं क्या आएगा. सो इट शुड गिव बी लास्ट लेटर, क्योंकि स्ट्रिंग में बी था, लैब बी. फाइन, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं. अब सपोज करो आपने नेगेटिव इंडेक्सिंग ही यूज कर ली, नेगेटिव इंडेक्सिंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो. माइनस थ्री से लेके सपोज माइनस वन तक किया, या फिर इसको थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं, माइनस सिक्स से माइनस वन तक आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा. एन जी स्पेस एल ए बी, बी नहीं आएगा, बाकी आपने ठीक बताया. हाँ, एल ए तक आएगा. अगर आप पीछे से ये काउंट करें, माइनस वन पे बी है, माइनस टू पे ए, माइनस थ्री पे एल, माइनस फोर पे स्पेस, माइनस फाइव पे जी, माइनस सिक्स पे एन. तो माइनस सिक्स से स्टार्ट होना है, यानी एन से स्टार्ट होगा, एन जी ब्लैंक स्पेस, फिर एल और ए, क्योंकि जहां तक हम लिखते हैं वो इंक्लूड नहीं होता पाइथन में, जो ऊपर हमने डिस्कस किया कि अगर सेवन लिख रहे हैं तो सेवन नहीं आता, सिक्स तक ही जाता है, एन माइनस वन तक जाता है. तो सिमिलरली माइनस वन तक नेगेटिव पहले से नहीं, तो इसका नहीं देखे थे इसका आप देखे. लेट मी प्रिंट इट. देखिए एन जी ब्लैंक एल ए, ठीक है, वो लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करता, एक पहले तक जाकर रुक जाए. क्लियर, तो इस तरीके से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं जहां पे भी रिक्वायर्ड हो. अगर आप इंडेक्सिंग मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, सपोज माइनस थ्री से टू तक आपने कर दिया, अब क्या आएगा, क्या आउटपुट आना चाहिए. ए बी टी एच, नहीं कोई आउटपुट, ए बी टी कोई आउटपुट नहीं आएगा. आप इसको इंडेक्सिंग को मिक्स नहीं कर सकते, या तो आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज करेंगे या फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करेंगे. देखिए ये स्टेटमेंट मैंने रन किया है, इसके लिए ब्लैंक है यहाँ पे, कोई आउटपुट नहीं आया ये स्टेटमेंट रन होने के बाद. तो आप इंडेक्सिंग मिक्स नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस चीज का. या तो आप उसको माइनस से लें और अप टू जीरो तक वो मिक्स आई थिंक जा सकता, नहीं जीरो भी नहीं जाएगा, माइनस वन तक ही जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग में माइनस वन से ही हम स्टार्ट करते हैं लास्ट लेटर से. ओके, एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए सर. एक बार सेम चीज को सर टू से माइनस थ्री करके देखिए, शायद हो जाए उससे, क्योंकि हम
लास्ट से पहले जा रहे हैं ना इसीलिए। टू से माइनस थ्री, माइनस थ्री दिस विल वर्क जैसे, क्योंकि उसमें हम उल्टा कर रहे थे ना इसीलिए। ओके या सो टी एच ये आपका जीरो और वन पोजीशन हमने नहीं लिया, टू से वो स्टार्ट हुआ और माइनस थ्री तक वो चला गया। तो माइनस वन यानी बी, बी नहीं आएगा, माइनस टू यानी ए नहीं आएगा, और माइनस थ्री वो भी नहीं आएगा। कहां तक आएगा? इस ब्लैंक स्पेस तक। एक लास्ट में ब्लैंक स्पेस भी जरूर आया होगा, हाँ है, यहां तक वो इंक्लूड होगा। तो अगर आप इसको इस ऑर्डर में लिख के कर रहे हैं देन इट विल वर्क, लेकिन अगर आपने रिवर्स लिख दिया माइनस थ्री टू टू तो कोई आउटपुट नहीं है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्टेप साइज। बाय डिफॉल्ट जो पाइथन में स्टेप साइज यूज होता है दैट इज वन। सपोज आपको अगर If I write this print x double colon n one, so one is indicating here your step size. So you can read this sentence as you know, grab everything, but with step size of one. ओके तो बाय डिफॉल्ट वन का स्टेप साइज रहता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या प्रिंट करेगा ये? इट विल प्रिंट योर एंटायर स्ट्रिंग। अब अगर यहीं पे आप स्टेप साइज चेंज कर दें, इफ यू वांट कि ओके स्टेप साइज चेंज करके सपोज आपने टू कर दिया तो उस केस में क्या होगा? इट विल प्रिंट लाइक दिस। फर्स्ट लेटर टी जीरो इंडेक्स पे जो है, देन वन इंडेक्स सॉरी टू इंडेक्स एच को स्किप कर देगा बीच में। सो स्टेप साइज आपने यहाँ पे टू कर लिए। ओके तो ऑल्टरनेट लेटर्स आई के बाद फिर ब्लैंक स्पेस, फिर एस, फिर P, फिर T, फिर O एंड सो ऑन। सो ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स वहां पे वो पिक करेगा, उसको एज अ स्ट्रिंग वहां पे प्रिंट करवा देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर यू नो स्टेप साइज। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज पाइथन के अंदर वन का ही रहता है। ठीक है, सपोज अब आपको स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, तो वहां पे ये चीज आप यूज कर सकते हैं। लाइक दिस या तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे सो यू विल गेट दिस। हमारा जो सेंटेंस था दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैब, तो उसको इसने बैकवर्ड्स प्रिंट करवा दिया, प्रिंट एवरीथिंग इन अ बैकवर्ड मैनर। सो बी ए एल, सो टोटली वो सारे के सारे लेटर बाय लेटर पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे आपके पास प्रिंट होकर मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए। तो फिलहाल के लिए अगर आप स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में करना चाहें तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके Now let's talk about just a second. So yeah, let's talk about string property. There is one important property that is known as immutability. क्या meaning है immutable होने का? कोई string अगर immutable है क्या समझते हैं उससे? सर उसके कैरेक्टर को हम रीराइट नहीं कर सकते।
उसके कैरेक्टर को हम रीराइट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते बीच में, एडिट या रिप्लेस। बिल्कुल 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 ठीक बताया आपने आदित्य। सो हमारे पास सपोज एक्स स्ट्रिंग था एंड लेट्स से यू वांट टू रीअसाइन समथिंग टू इट, आई मीन रीअसाइन आप फिर भी कर सकते हैं पूरे के पूरे कंप्लीट स्ट्रिंग को, बट उसके लेटर्स को या उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को आप ओवर राइट नहीं कर सकते, रीराइट नहीं कर सकते। उसका क्या मीनिंग हुआ, सपोज जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसमें जीरो इंडेक्स पोजिशन पे कैपिटल टी था, नाउ आई वॉन्ट कि वहां पे कोई और कैरेक्टर आ जाए, लेट्स से ए आ जाए। तो अगर हम ये चीज वहां पे करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं अपने नॉर्मल स्ट्रिंग को, देन इट विल गिव यू एन एरर। व्हाई सो, बिकॉज इनहेरेंटली योर स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर इम्यूटेबल, यू कैन नॉट चेंज देयर कैरेक्टर्स, यू कैन नॉट चेंज देयर लेटर्स। तो ये जैसे ही हमने किया तो ट्रेस बैक आ गया, यानी एरर आ गया। एरर क्या आया, टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो हम उसमें कोई आइटम अलग से यूं असाइन नहीं कर सकते। एक बार जो आपने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग को तो वो कैरेक्टर्स उसके लिए फिक्स्ड है। अब क्या कर सकते हैं फिर, अगर सपोज इस तरीके से अगर हम नहीं कर सकते, स्टिल सम ऑपरेशंस ऑन स्टिल स्ट्रिंग्स आर अलाउड, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट अगर आपस में करना है तो वो आप कैसे वो कर सकते हैं। बेसिकली वो कैसे करेंगे, लेट्स से यू वांट टू प्रिंट एक्स जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है प्लस कोई कंपोनेंट आपने यहाँ पे ऐड कर दिया स्ट्रिंग का एंड पार्ट, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, इट विल गिव यू दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैब एंड पार्ट। तो हमने यहाँ पे स्पेस भी एंटर करवाया था, तो स्पेस के साथ ये चीज उसके पीछे अपेंड हो गई। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यू नो कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग। यू कैन रीअसाइन द स्ट्रिंग ऑल्सो, दैट इज अलाउड, स्ट्रिंग रीअसाइनमेंट या रीअसाइनिंग द स्ट्रिंग। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू x plus something, let's say something ही लिख लिया हमने, ठीक है। तो इसको जब आप reassign करेंगे that means कि originally जो भी आपने जिस भी memory location पे x की value save थी उसी को override कर दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने उसके individual letters को या characters को replace किया है या rewrite किया है, वो चीज नहीं हो रही। हम पूरे के पूरे string को उस variable में जो भी save था उसी को फिर से कुछ और असाइन कर दे रहे, दिस ऑपरेशन इज अलाउड। ओके, मैंने उसको प्रिंट नहीं किया, फाइन, सो आई शुड राइट, इसलिए वो आउटपुट में नहीं दिखा। तो अब अगर एक्स की वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे, लेट्स रन दिस सेल ऑल टुगेदर, या सो दिस वुड बी, दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैब समथिंग समथिंग। तो एक बार मैंने उसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया था इसको, हालांकि प्रिंट नहीं करवाया था, तो इसलिए यहाँ पे दो बार हमारा ये ऐड हो समथिंग समथिंग, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन रीअसाइन द स्ट्रिंग, बट इनहेरेंटली अगर आप उसके कैरेक्टर्स को या इंडिविजुअल लेटर्स को अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो अलाउड नहीं है पाइथन में, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। All right. Next thing, let's suppose you have some character here and variable name is y, और उसके अंदर हमने एक t character यहाँ पे store करवा के रखा हुआ है। तो what you can do, this thing y into 10, तो ये work करेगा या नहीं? सब प्रिंट नहीं करवाया आपने, या उसकी वजह से शायद नहीं आ गया। सो दिस विल डू, दिस विल वर्क ऑन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पे अगर आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो यू कैन क्रिएट यू नो मल्टीप्लिकेशन सिंबल। रिपीटेशन अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो बेसिकली मल्टीप्लाई, और 10 टाइम्स अगर हमें करना है तो वो कर सकते हैं। ओके,
Now let's talk about some built-in functions. Built-in functions or methods. जैसे कि हमने ऊपर एक यूज किया था लेंथ फंक्शन, तो वो कम्प्लीटली हमारे उसके लिए था और डायरेक्टली हमने उसको लेंथ के तौर पे यूज कर लिया। बट जो बिल्ट इन मेथड्स हैं इनमें जनरली सिंटेक्स वैसा रहता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, तो स्ट्रिंग का नाम, नेम ऑफ स्ट्रिंग, देन यू विल बी एंटरिंग दिस पीरियड सिंबल दैट इज डॉट, पीरियड बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, तो एक डॉट लगाएंगे और डॉट के बाद जो भी आप फंक्शन उस पर यूज करना चाहें या मेथड यूज करना चाहें वो मेथड आपको वहां पे आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज हाउ यू कैन यूज स्ट्रिंग मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स। अब बिल्ट इन मेथड्स होते कौन से हैं, एक दो एग्जांपल्स उसके देखते हैं। यहाँ पे सपोज हमने ऊपर एक स्ट्रिंग तो बनाई रखी है, राइट, प्रिंट एक्स, उसको एक बार फिर से प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रिंग बनी हुई थी। इस पे सपोज आपको कोई ऑपरेशन लगाना है, एक बिल्कुल सिंपल बिल्कुल बेसिक सा है, दैट इज अपर केस। अगर हमें स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, फॉर दैट यू कैन राइट एक्स डॉट अपर एंड दिस। एंड दिस विल वर्क x डॉट अपर, तो उसने क्या किया, सारी की सारी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तो कुछ आपके बिल्ट इन फंक्शंस हैं। और आईडी यूज करने का एक एडवांटेज, एडिशनल एडवांटेज यहाँ पे आपको है, सपोज आप स्पाइडर या कोई और भी यूज करेंगे तो उसमें भी सजेशन आ जाते होंगे, लाइक फॉर लोअर केस इफ आई वॉन्ट टू राइट, जैसे ही आप उस स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे और डॉट लगाएंगे तो उससे रिलेटेड फंक्शन आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे, तो आपको एक हेल्प मिल जाती है आईडी से। जैसे ये फंक्शन है कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज क्या करता है वो भी आपके सामने यहाँ पे लिख के आ जाता है ब्रीफली, जैसे अभी आ रहा था ये। तो कैपिटलाइज क्या करता है, इट विल रिटर्न अ कैपिटलाइज्ड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग। अगर स्पेसिफिकली बोलें तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसको वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा और उसके अलावा बाकी के सारे कैरेक्टर्स आपके लोअर केस में ही रहेंगे। ठीक है, दैट मींस कि हमारे जो स्ट्रिंग में ऑलरेडी हमारा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल ही है, कैपिटल टी है, राइट, दिस इज पाइथन वैसे करके, तो यहाँ पे उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा इतना। बट समवेयर एल्स जहाँ पे मे बी लोअर केस में अगर आपके हैं स्टार्टिंग से एक्स डॉट लोअर, अगर लोअर केस में करना है तो आप एक्स डॉट लोअर यूज कर सकते हैं। दिस विल कन्वर्ट योर एंटायर स्ट्रिंग इनटू लोअर केस कैरेक्टर्स। ओके, कैपिटलाइज क्या करेगा, फर्स्ट जो उसका लेटर है उसको कैपिटल कर देगा, दिस टी। ठीक है, जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो कैसे यूज करने हैं स्ट्रिंग के, समझ आया, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, इस वाले जो सेक्शन में है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज स्प्लिट फंक्शन। तो स्प्लिट फंक्शन आपका काफी यूज में होने आने वाला है आगे, आप जब इससे रिलेटेड कोई भी कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे पाइथन वाले, या कोई यू नो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए खुद से कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सो स्प्लिट फंक्शन इज यू नो यू कैन से मोस्ट कॉमनली यूज्ड। स्प्लिट क्या करता है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूज करेंगे एक्स डॉट स्प्लिट, सिंपल अगर आपने ये यूज किया है तो क्या करेगा, वो ब्लैंक स्पेसेस के अकॉर्डिंग आपके सारी स्ट्रिंग को स्प्लिट करके दे देगा। मतलब जहां जहां ब्लैंक स्पेस है उससे पहले का स्ट्रिंग अलग, उसके बाद का स्ट्रिंग अलग। ठीक है, मीनिंग इसको एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं, दैट विल मेक मोर सेंस। दिस इज हाउ, तो बेसिकली एक लिस्ट बना के दे देगा, उस लिस्ट में क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रिंग एलिमेंट्स होंगे, तो दिस को अलग कर दिया, इस को अलग, पाइथन को अलग, प्रोग्रामिंग को अलग, लैब को अलग, समथिंग को अलग, समथिंग को अलग। ठीक है, तो वाइट स्पेस यानी जहां जहां पे वाइट स्पेस था उसके यू नो पहले और उसके बाद में
जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी स्ट्रिंग है, उसको अलग करते हो, ठीक है? दिस इज हाउ यू कैन स्प्लिट द वर्ड्स, और ये काफी यूज में आने वाला है, इस फंक्शन की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ओके? अब सपोज करो आपको कोई स्पेसिफिक लेटर के अकॉर्डिंग स्प्लिट करवाना है, तो वो कैसे करें? यू जस्ट हैव टू मेंशन दैट लेटर. सपोज आपने आपके स्ट्रिंग में कहीं पे भी अगर R यूज हो रहा है, R के अराउंड आप स्प्लिट करवाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ वाइट स्पेस, तो वो लेटर यहाँ पे मेंशन कर दो, उसके अकॉर्डिंग स्प्लिट होके आपको आपकी स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे लाइक दिस. तो यहाँ पे हमारा था, दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग, R यहाँ पे था प्रोग्रामिंग में, राइट? तो R से जस्ट पहले जितना पार्ट था वो एक सिंगल स्ट्रिंग में यहाँ पे हमारे पास मिल गया. लिस्ट की जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एंट्री है, वो ये है, दिस इज पाइथन P. R के बाद का जो पोर्शन है वो यहाँ पे आया, प्रोग्रामिंग, फिर से R आना था. तो R के R को यू नो विद रिस्पेक्ट टू लेकर बाकी के सारे स्ट्रिंग को स्लाइस कर देगा, अलग अलग करके आपको कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है? सो अगर आपको किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के अराउंड आपको स्प्लिट करवाना है फंक्शन को, तो आप इस फॉर्मेट से यूज कर सकते हैं स्प्लिट फंक्शन को. अगर बाय डिफॉल्ट आप वाइट स्पेसेस के अकॉर्डिंग स्प्लिट करवाना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उसको बस स्प्लिट और ब्लैंक ब्रैकेट्स और वैसे करके छोड़ दो. ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. सर ये इम्यूटेबिलिटी वाला मेरा मिस हो गया था सर, वो क्या था बता देंगे एक बार? ओके श्योर. इम्यूटेबिलिटी मींस कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल बाय नेचर. अगर म्यूटेबल होंगे तो दैट मींस कि आप उसको रीराइट कर सकते हैं, उसको फिर से डिफाइन कर सकते हैं, उसके लेटर्स को, इंडिविजुअल लेटर्स को चेंज कर सकते हैं. सपोज हमारा ये स्ट्रिंग था, दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैब, सिंपल अगर हम इतना ही मान के चले, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका जो भी सपोज थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पे क्या है, थर्ड इंडेक्स पे एस है, राइट? 0 1 2 3, तो थ्री पे है एस. मैं चाह रहा हूँ ये दिस की बजाय कुछ और हो जाता है, यहाँ पे एस की जगह कुछ और आ जाता, ठीक है? या फिर मुझे कुछ और चेंज करना था, यहाँ पी की बजाय कुछ और लगाना है, डाइथन बनाना था पाइथन की बजाय, तो पी की बजाय मैं डी लगाना चाह रहा था यहाँ पे सपोज, तो इसको मैं रीराइट करना चाह रहा था, इसकी जगह पी की जगह डी लिखना चाह रहा था, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. स्ट्रिंग्स एक बार आपने जो डिफाइन कर दी, उसके लेटर्स में आप चेंज नहीं कर सकते, ये चीज है वो. सपोज मैं इसके अगर फर्स्ट एंट्री यानी कैपिटल टी था, कैपिटल टी की जगह अगर ए लिखना चाहूँ, उसको एज अ ए असाइन कर दूं यहाँ पे, तो वो चीज अलाउड नहीं है. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल बाय नेचर. सो आई बिलीव यहाँ तक समझ आ गया होगा. तो जो लोग नए हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो प्लीज इतने पार्ट की स्ट्रिंग की प्रैक्टिस जरूर करें. स्ट्रिंग को आप जितना प्रैक्टिस देंगे उतना आपको यू नो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉपिक है और इजी टॉपिक है. अगर इस पे थोड़ा कमांड आपने अच्छी कर ली, थोड़ी प्रैक्टिस बना ली, तो आगे लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज वो इजीली फिर होते चले जाएंगे. अगर यहीं पे आप थोड़ा सा यू नो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे अगर, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगेंगे. ओके, तो इसके हेलो सर. हाँ पूछिए सर. मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये वाले जो मैंने फंक्शंस यूज करे ना सर, ये एक्स अपर एक्स लोअर वगैरह, तो कोई एरर दे रहा है सर किसी वजह से. तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, तो ये मुझे समझ नहीं आया सर क्यों आ रहा है. किसमें यूज कर रहे हैं आप, स्पाइडर में ही कर रहे हैं कहीं और कर रहे हैं? नो सर, गूगल कोलैब में कर रहा हूँ सर मैं. वहां पे आपने मतलब सेम सेल में एक्स डिफाइन कर रखा है? यस सर, एक्स भी डिफाइन कर रखा है सर, बाकी तो किसी में भी सर कोड में दिक्कत नहीं आई सर. और एट्रिब्यूट आ रहा है सर. चलिए मैं गूगल क्लैब पे एक बार चेक करता हूं, बट होना नहीं चाहिए ऐसा, अलग से तो कुछ उसमें नहीं है. यस सर, होना तो नहीं चाहिए सर, यही मैं भी सोच रहा था सर, लिए मैंने आपसे कहा सर. ठीक है, इसमें एक बार ट्राई करते हैं. उसके अलावा अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए.
तो रहा है, ये विजिबल है आपको स्क्रीन? यस सर, विजिबल है सर। गूगल कोलैब वाली स्क्रीन ना, तो इसमें वर्क कर तो रहा है, ये देखें। यस सर, करना था सर, पहले भी कर रहा था, क्योंकि मैंने सर पिछली बार भी सर गूगल कोलैब पे किया था, तब तो वर्क कर रहा था। हाँ ये वर्क पता नहीं सर क्या। हमें भी आप एक बार फिर से उसको क्रॉस चेक कर ले, कोई टाइपिंग एरर या कुछ मिस्टेक हो गया होगा आपसे। यस सर, मैं देखता हूँ सर। सर वो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग वाला जो था, हाँ हाँ, प्रिंट एक्स फोर लेंथ वाला, तो सर उसमें मतलब वो लेंथ तो हम लेंथ के लिए पता करते हैं, मतलब जैसे इसकी 25 आई थी, मतलब ऐसे ही, मतलब सर ये लिख के क्या आउटपुट, वो समझ नहीं आया था मेरे को। मतलब उसमें हमने इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिया कि 4 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 30 है, 35 है, जो भी उसकी लेंथ है, तो उसके आखिरी लेटर तक हमने उसको स्पेसिफाई करके दे दिया, तो दैट मींस कि 4 से स्टार्ट होगा और बिल्कुल एंड तक प्रिंट कर देगा। जो उसकी तो सर अगर हम लेंथ एक्स भी नहीं लिखे, अगर वहां छोड़ दें तो सर बात तो वो एक ही रहेगी ना। हाँ एक ही रहेगी, एक ही रहेगी, वो बस एक यूसेज है। क्योंकि हम मैटलैब में ऐसे किया करते थे, सपोज आपने किसी यूजर से कुछ इनपुट करवा लिया, ठीक है, तो उसका हमने डायमेंशन फाइंड कर लिया लेंथ फंक्शन से। अदरवाइज क्या होता था कि अगर यूजर से इनपुट करवाया तो हमें नहीं आइडिया कि वो हमें कहाँ तक के लिए क्या लॉजिक लगाए। अगर सपोज मैं यहाँ पे तो ठीक है, आप डायरेक्टली वैसे कर पा रहे हैं कि आपने बस दो कोलंस लगाए और छोड़ दिए, ठीक है। तो मैटलैब में क्या करते थे हम कि लेंथ फंक्शन से फर्स्ट ऑफ ऑल उसके डायमेंशंस निकाल लेते थे, या फिर अगर वो टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है तो साइज फंक्शन से डायमेंशंस निकालते थे और उसके अकॉर्डिंग ही लूप्स वगैरह या फिर उन लॉजिक्स में यूज करते थे। तो उसको बस को रिलेट करके मैंने बताने के लिए ये किया। अदरवाइज आप 4 के बाद सिंपली जैसे हमने ये किया है 1 कोलन और ऐसे छोड़ दें, तो वो भी एक ही चीज है, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। और इसमें एक चीज है, ये आपको थोड़ा सा देखना है, देखो सारे के सारे फंक्शंस हम यहाँ क्लास में नहीं कवर कर पाएंगे, तो ये इनके कौन सा फंक्शन क्या करता है उसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मेट फंक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लैब में करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज इतना ही करेंगे। इसकी आप पहले प्रैक्टिस कर लें, इसमें कंफर्टेबल हो जाएं जो अभी तक डिस्कस किया है, फिर नेक्स्ट लैब में मूव करेंगे। फॉर्मेटिंग के बेसिकली तीन आपके डिफरेंट तरीके रहते हैं। परसेंटेज सिंबल के साथ हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, परसेंटेज ऑपरेटर्स लगा के, मॉडुलो करेक्टर जिसको बोलते हैं, परसेंटेज एस, परसेंटेज आर, इस टाइप से उसमें यूज करते हैं, या फिर डॉट फॉर्मेट फंक्शन है जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, डॉट फॉर्मेट, तो ये फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। और एक जो नया कंसेप्ट आया है पाइथन 3.6 के बाद से, दैट इज स्ट्रिंग लिटरल्स, एफ स्ट्रिंग्स जिसको बोलते हैं। ये तीन तरीके हैं, कोई चीज अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं स्ट्रिंग्स को, तो स्ट्रिंग्स के रिलेटेड ये तीन मेथड हम यूज करते हैं उसकी फॉर्मेटिंग के लिए बेसिकली। वो आज के लेक्चर में नहीं डिस्कस कर रहे, नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मेट फंक्शन आपका डिस्कस होगा अभी। उसके अलावा फाइंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है, एंड्स विद फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इज डेसिमल, इज डिजिट, इज न्यूमेरिक, ये फंक्शंस यू नो इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लें। और लोअर अपर ये सब हो ही गया है, लेफ्ट स्ट्रिप राइट स्ट्रिप ये देख लें, और इसमें है स्ट्रिप फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया, टाइटल फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, अपर हमने डिस्कस कर लिया। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें से देख लें, पढ़ के देखें इसमें कि कौन सा फंक्शन क्या करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम टाइटल यूज करें तो उसकी प्रैक्टिस आपको कर करके देखनी है। टाइटल क्या करेगा, हर जो वर्ड है बेसिकली इसमें इस स्ट्रिंग में, उसके फर्स्ट वाले लेटर को कैपिटलाइज कर देगा। ये आउटपुट आया, दिस कैपिटल टी, इसमें कैपिटल आई, पाइथन में कैपिटल पी, प्रोग्रामिंग में कैपिटल पी, एल में लैब में कैपिटल एल, समथिंग समथिंग में कैपिटल एस, ठीक है। तो हर यू नो लेटर का या हर वर्ड का उसने फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल कर दिया। ओके, दिस इज हाउ यू कैन यूज टाइटल। तो वो थोड़ा सा आपका एप्लीकेशन ओरिएंटेड भी रहता है, ये फंक्शंस ऐसा नहीं है कि आप बैठ के यू नो क्रैम कर लेंगे या एक ही बार में सारे पढ़ डालेंगे,
जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ फिर आपके माइंड में बैठ जाएगी, और फिर एप्लीकेशन बेस्ड रहता है, कहीं आपकी किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वैसा कुछ करना रिक्वायर्ड होगा तो आपको रिकॉल होगा कि ठीक है हाँ वो फंक्शन मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ओके तो ये फंक्शंस आपको देखना है, ये आपका काइंड ऑफ होमवर्क है, और अभी तक जितना डिस्कस किया है उतने की एक बार आप प्रैक्टिस करें, कंफर्टेबल हो जाए इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक फिर नेक्स्ट लैब में, स्ट्रिंग में बस एक ही चीज पेंडिंग है, दैट इज फॉर्मेटिंग, अदरवाइज स्ट्रिंग इज ओवर, और फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग प्लस लिस्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा सेट लिस्ट, उस पर हम मूव करेंगे नेक्स्ट लैब में। ऑलराइट तो अभी तक के डिस्कशन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द लैब। यस सर, थैंक यू सर।